हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज, आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीएससी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज साथियों। तो हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 60 तक दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग इसके वीडियो के सेकेंड पार्ट बना रहे हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे 150 तक। पूरे के पूरे इसमें 150 प्रश्न है और 150 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज में साथियों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था ये क्वेश्चन 60 तक। अब हम लोग सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 150 तक होगा। तो बहुत बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इसके बारे में पहले बताया था, जीएस करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल सारे मिलाकर क्वेश्चन मोस्ट अपडेटेड प्रश्न है इसमें, जिस बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं जिस तरीके से एग्जाम में आपके पूछता है। पूरे सिलेबस को जो है ये आपके ध्यान में रखकर बनाया गया है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, ये क्वेश्चन के साथ साथ इस टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो एक्सप्लेनेशन का ये मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, ये चैनल के लिंक में जो है टेलीग्राम का, वीडियो के और चैनल के लिंक में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग इस पीडीएफ को भी सॉल्व करिएगा, बहुत सारा फैक्ट आपको पीडीएफ से भी मिलेगा, बहुत सारा फैक्ट कंसेप्ट। तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं, एक बार जरूर अपने मन से पीडीएफ लेकर सॉल्व कीजिएगा। पहले यहां आप देख लीजिए क्वेश्चन को, दूसरे बार रिपीट करना हो तो आप पीडीएफ से सॉल्व करिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 61 से। तो दोस्तों ये 61 में क्या है हमारा, तो देखते हैं। ये मैचिंग वाला सवाल है दोस्तों, मैचिंग वाला सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बेहतरीन सवाल होते हैं। थोड़े से ही जानकारी में हम उत्तर को निकाल लेते हैं, क्योंकि चार चीजों को मिलाना होता है हमें, कोई ना कोई हमें आता रहता है और उसमें एलिमिनेशन का मेथड लगाकर हम उत्तर को निकाल लेते हैं। तो एक तरफ हमें यहाँ प्रमुख नगर दिया गया है और दूसरी तरफ उससे नगर से संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो नगर से संबंधित, तो उसको हमें मिलाकर बताना है कि हमारा कौन सा ये सेट में हमारा सही हो रहा है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, कई बार ये पूछा गया है उरैयूर, उरैयूर क्या है, कहाँ है। तो ये हमको बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे मिला होगा, हम लोग इससे परिचित हुए होंगे। तो उरैयूर साथियों चोलों की राजधानी थी और सूती कपड़ा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये आ जाएगा तीसरे पे, हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मिलाने वाले में हम लोग यही विधि अपनाते हैं कि जो हमें सबसे ज्यादा क्लियर हो उसको पहले हम मिलाकर फिर देखते हैं एलिमिनेशन लगाकर। अब देखो ए वाला हमारा 3 पे होना चाहिए, तो ए वाला 3 पे ए में है और बी में है, यानी अब हमें क्लियर हो गया कि ये उत्तर नहीं हो सकते, नहीं दोनों में से कोई है। अब साथियों एक चीज और हमें ये देखने को जो मिला है साथियों, यहाँ जो मुजरिस है, मुजरिस से हम लोग भी परिचित होंगे, मुजरिस भी है चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये वाला डी वाला हमारा ये 4 पर चला आएगा, यानी इसका मतलब दोनों में भी 4 है, भी हमारा काम नहीं बना। फिर इसका मतलब ये साथियों ये हुआ कि हमारा ये जो करैयर था, ये करैयर जो है दोस्तों ये करैयर हमारा ये हो जाएगा, ये पांडवों की तटीय राजधानी थी। तो ये आ जाएगा ये दूसरा पे, और बचा एक हमारा कोरकाई, ये चेरो की राजधानी। तो इस हिसाब से हमारा दोस्तों कौन सा आंसर बन रहा है, ये हमारा जो बन रहा है अब हम लोग देखते हैं अब हमारा कौन सा सेट बनना चाहिए। तो देखते हैं हमारा ये जो कोरकाई है, ये कोरकाई दोस्तों ये हमारा जो है ये पांड्यों की राजधानी होगी, ये कोरकाई है पांड्यों की तटीय राजधानी, और बचा है हमारा एक सी वाला वाजी या करैयर, तो ये चेरो की राजधानी। इस हिसाब से अब हमारा देखिए कौन सा सेट बन रहा है, तो विकल्प नंबर बी हमारा यही बन रहा है, यही हमारा आंसर होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, यहाँ पर सारी चीजें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, वही चीजें सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। तो पीडीएफ पे सारी चीजें पड़ी हैं, देख लेना आप लोग। 62 में से दोस्तों 62 में बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ आपको कई सारा फैक्ट देखे मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलने वाला है 62 में, अकबर के द्वारा 1564 में क्या कह रहे हैं, अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया गया था। तो साथियों यह बात जो है गलत है,
यह 62 में दास बनाने से जो अकबर ने रोक लगाई थी, यह 1562 में रोक लगाया था, और 1563 में तीर्थ यात्रा को प्रतिबंध जो किया गया था उस पर जो है उन्होंने ढील दिया था। और दूसरा क्या है, पहला हमारा गलत हो गया क्योंकि 1564 में नहीं, 1562 में जो युद्ध बंदियों, जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे फिर उनको दास बनाया जाता था, तो इस प्रथा को उन्होंने रोक लगा दिया गया था, 62 में रोक लगाया था, 1562 में, 64 में नहीं। और दूसरा क्या है, अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल नीति पर आधारित थी जो सार्वभौमिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक समन्वय की बात करती है। यस, ये दूसरी बात तो एकदम फिट है, सही है। तो हमारा उत्तर जो कह रहा है कौन सा सही है, तो सही हमारा केवल बी हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर चीजें दी ही गई है एक्सप्लेनेशन में, अगर आपको मैं दिखाऊं वही चीज मैं अभी बताया था आपको कि अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल नीति पर आधारित थी, ये जो वहां दूसरा कथन ये तो बात सही है, और अकबर ने 1562 में स्वतंत्र शासक बना तो उसने कुछ ऐसा सुधार किया सामाजिक धार्मिक उदारता को बताते हैं। तो 62 में युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगाया गया, और 63 में देख रहे हैं तीर्थ यात्रा की जो टैक्स थी उसको जो समाप्त कर दिया था भाई, अब तीर्थ यात्रा पर टैक्स नहीं लगेगा, और 64 में जजिया कर पर रोक लगा दिया गया था। तो ये सब चीजें अकबर ने किया था, तो फिलहाल हमारा आंसर केवल बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लिए, तो आंसर अगर पूछेगा तो केवल दो सही है यहाँ पर, यानी केवल ये सही था तो यहाँ पर केवल ये हो गया। आगे देखें तो दोस्तों हमारा 63 वाला जो प्रश्न है, ये दोस्तों कह रहे हैं कि देखें 63 वाले में वृंदाव दो कथन दिए गए, हमें दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो वृंदावन के वैष्णव मंदिर का गोपुरम बेसर शैली में बनाया गया था। यस, वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर का गोपुरम है दोस्तों, ये बेसर शैली में बनाया गया था। बेसर शैली में क्या है कि जैसे दोस्तों ये नॉर्थ में आप देखेंगे विंध्याचल के इधर, तो नॉर्थ में जो है वो नागर शैली का प्रयोग किया जाता है मंदिरों में, और कृष्णा नदी की इधर देखेंगे साउथ में तो वहां आपको दिखेगा द्रविड़ शैली। तो नागर और द्रविड़ शैली की जो मिक्सिंग है उसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं। तो बेसर शैली में बनाया गया था, ये वाला सही है। मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का चलन करें 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व बादामी चालुक्य द्वारा शुरू किया गया था। तो 10वीं शताब्दी में ही नहीं साथियों, ये 7वीं-8वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। तो ये जो है हमारा दूसरा वाला तो गलत हो गया, केवल पहला सही है, लेकिन यहाँ आपने उत्तर बी दे दिया है, तो बी नहीं होगा, ए होगा यहाँ पर, ये ए हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है कि नागर और द्रविड़ शैलियों के तत्वों का मिश्रण है, इसे बेसर शैली कहा जाता है, और बेसर शैली विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक है, वही जो मैंने बताया। और यहाँ बेसर शैली का चलन बादामी चालुक्यों के द्वारा 500 से 753 ईसा पूर्व में ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये बात यही है, 10वीं शताब्दी में नहीं शुरू किया गया था, बल्कि यह 5वीं से 7वीं तक 8वीं तक। तो यही बात है यहाँ, केवल हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो केवल हमारा ए सही है, तो ये वाला हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अब, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 64। ये 64 वाले में दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं श्री मुख लिंगम मंदिर के संदर्भ में आपको तीन कथन दे दिया है। तीनों कथनों को पढ़िए और बताइए गिनकर कि कितने कथन सही हैं, गिनकर बताना है कितने कथन सही हैं। तो चले हम लोग पढ़ें, देखते हैं एक सही, एक दो या तीन, कौन सही है। तो यह कलिंग स्थापत्य शैली के अंतर्गत विकसित मंदिर है, यह सही बात है। श्री मुख लिंगम आंध्र प्रदेश में है, इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। नहीं साथियों, यह गंगा राजवंश से संबंधित एक राजा था वो करवाया था, यह वंशधारा नदी के तट पर स्थित है। यस, पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, तो इसका मतलब केवल दो सही है, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, अभी आप यहां देखेंगे कि इसका निर्माण जो है यह पूर्वी गंगा राजवंश के शासक ये कामरड़ो द्वितीय ने करवाया था। तो ये यही चीज की वजह से दूसरा गलत हो गया, बाकी हमारा पहला और तीसरा सही था। तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, आप पढ़ लेना। तो हमारा यहाँ कौन सा सही हुआ, केवल पहला, तीसरा, इस हिसाब से बी हो जाएगा। आगे देखें 65 में, तो 65 में दोस्तों हमें जो पूछा जा रहा है यहाँ
सन्यासी विद्रोह के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा है, उसी से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह संदर्भ में कथन दिया है, कथनों को पढ़ लीजिए इन तीनों कथनों को और बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही है। तो देखें, बंकिम चंद चटर्जी का ऐतिहासिक उपन्यास है आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यस, ये खूब आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। इस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की असमान भागीदारी थी। तो असमान नहीं दोस्तों, समान भागीदारी थी, हिंदू मुसलमानों की समान थी, असमान नहीं। यहाँ देखो थोड़ी सी गलती की वजह से बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और गलत, यहाँ असमान की जगह समान होना चाहिए था। तो इस बात को जो है हमें थोड़ा सा यहाँ गलत देखना होगा, ये गलत हो गया। और इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सही हुआ, 1 और 3 सही हुआ, तो दूसरा गलत हो गया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों की बराबर भागीदारी थी, घट बढ़ नहीं थी। तो यहाँ असमान दे दिया, मतलब कह रहा है कम ज्यादा थी। तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा, छोटे छोटे शब्दों में ही हमें उलझा देता है और हम गलती कर देते हैं। तो आगे देखें हम लोग 66 में क्या है दोस्तों हमारा, तो क्या है देखें, हमें दिया है दोस्तों सूची 1 सूची 2, मिलान वाला प्रश्न है। सूची 1 में कुछ राज्य है, सूची 2 में अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया वर्ष है। तो हमें मालूम है साथियों, ये जो विलय हड़प नीति लेकर आया था जो है डलहौजी, उसने बहुत सारे राज्य, स्वतंत्र राज्यों को जो है अपने कूटनीतिक चाल की वजह से विलय करवाया अपने साम्राज्य में। तो उन्होंने 17 को सबसे पहले करवाया था 48 में, ये चीज आप लोगों ने जानते होंगे, 1848 में उन्होंने 17 को करवाया था सबसे पहले। तो बी वाला हमारा 3 पर आ जाएगा, तो बी वाला 3 पर आ जाएगा। ओ बी, ये हमारा ये जो है ये ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर। तो बी वाला 3 पर कहाँ है, बी 3 पर केवल एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसका मतलब जो है हमारा उत्तर अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें पता हो जाएगी दोस्तों। ये जो है झांसी को कब विलय करवाया गया था दोस्तों, झांसी को जो विलय करवाया गया था वो 1854 में करवाया गया था। तो ये झांसी को 1854 में, और नागपुर को कब करवाया गया था, ये नागपुर को दोस्तों जो करवाया गया था ये जो है ये है 53 में करवाया गया था ये यहाँ। और बचा है एक हमारा संभलपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ये जो है जैतपुर वाला हमारा 49 पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सही है दोस्तों, ए वाला हमारा 2 पर गया, बी वाला 3 पर, सी वाला 4 पर, डी वाला 1 पर। यस, यही सही है, बी वाला ये, सी वाला सही है, ये वाला हमारा सही। तो यही सही है हमारा, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर दिया है संभलपुर 49, सतारा 48, सतारा को सबसे पहले करवाया गया था, झांसी 54 में, 53 में अधिकृत हुआ था, और बघाट 50, 54 में नागपुर, करौली 55, पंजाब 49। आगे देखा जाए 67 में हमें क्या दिया है, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके हमें बताइए कि कौन सा ये कथन सही है। तो साथियों, पहले जो है जमींदारी आया, फिर वो उतना काम नहीं किया, तो फिर उसके बाद जो है ये महालवाड़ी व्यवस्था अंत में लेकर आए। तो महालवाड़ी इसमें क्या होता था दोस्तों, महाल का मतलब होता है गांव का मुखिया, तो उसी से संबंधित था ये, यानी टैक्स जो है लोग गांव के मुखिया को देंगे, तो जमींदारों को नहीं। तो महालवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों यह जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब हिस्सों में कुछ जगहों पर ये जो है लागू हुआ था ये। तो दूसरा वाला तो सही है, यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब के हिस्सों में लागू किया गया था, तो ये बात तो सही है दूसरा। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है उसे बताइए महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में। तो दूसरा वाला तो सही है हमारा, तो दूसरा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत को बताना है। तो पहला वाला अब हम पढ़ें, तो पहला वाला देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 15% भूमि क्षेत्र ये मतलब सम्मिलित थी। तो नहीं दोस्तों, ये 15% नहीं, लगभग 25 से 30% शामिल था, 15% नहीं। तो यही गलत हो गया महालवाड़ी में, तो ये ए वाला हमारा गलत हो गया। अब जो हमारा गलत है उसी को हमें उत्तर मानना है क्योंकि उसी को पूछा है,
तो बी वाला, ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि ए ही को गलत है। अब यहां देखेंगे तो यहां पर यही कहा गया है, यहां पर लिखा होगा कहीं पे, यह 30% क्षेत्रों पर लागू था, 15 नहीं। तो यही हो जाएगा हमारा, ए वाला गलत हो गया। आगे देखें 68 वाला, देखें दोस्तों हमारा एक गजब का सवाल है यहां। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत में इसके ब्रांच को जो है लाया गया था तो मद्रास में 1882 में लाया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। अब हम देखें, पहला जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसका मुख्यालय 1885 ईस्वी में अड्यार यानी मद्रास में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका एक मुख्यालय जो है दोस्तों मद्रास में खोला गया था, यह 1882 ईस्वी में खोला गया था, 85 में नहीं, तो 1882 ईस्वी में खोला गया था। तो ये हमारा गलत हो गया ए वाला, तो ए जहां होगा आप काट सकते हैं, ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब देखें, यह उपनिषदों, सांख्य योग और वेदांत के विचार से प्रेरित था, यस ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित करना था, यस ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है हमारा बी वाला, क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमें पहले से आधा उत्तर तो पहले से एलिमिनेशन कर दिया, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो बी वाला हो जाएगा। और यहाँ पर इसके जो भारत में लीडर बनी, जो इसके लिए फेमस जानी जाती है, एनी बेसेंट, यहाँ पर दिया होगा एनी बेसेंट के बारे में, जो कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष थी, तो इसके प्रमुख नेता एनी बेसेंट थी और वह 1893 भारत पहुंची। और एनी बेसेंट के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। वैसे भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, केवल महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताइएगा। आगे देखें हम लोग, देखें दोस्तों यहां एक कथन दिया गया है, हमसे कहा गया कि अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रजाति के हैं तथा हम पर शासन करना उनका, थोड़ा सा छोटा करें दोस्तों, बड़ा हो गया है, कट गया, एक सेकंड, अब सही है। तो ये किसका कथन है बताइए, कि किसने यह कहा था कि हमसे कहा गया कि अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रजाति के हैं तथा हम पर शासन करना उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, यदि हमने उनका विरोध किया तो वे अपने साम्राज्यवादी प्रजाति के शेर जैसे गुणों को दिखाना प्रारंभ कर देंगे, यह किसका कथन, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो मतलब नेहरू जी ने नहीं कहा था, नेहरू जी से किसी और ने कहा था, तो इसे नेहरू जी ने कोड किया था। तो यह किसने कहा, नेहरू जी ने बताया कि किसी ने हमसे ऐसा कहा, तो ये बात है, यहाँ थोड़ा सा मिस ना होइएगा कि नेहरू जी ऐसा कहे थे, तो नेहरू जी से किसी ऐसा नेहरू दूसरा ने आदमी नेहरू जी से कहा था, तो उस भाषा को यहाँ पर कोड किया गया है। तो यहाँ पर उसके लिखा गया है कौन किसने क्या कहा है, यहाँ नेहरू जी का, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, साम्राज्यवादी प्रजाति के हैं, हम पर शासन करना उनका अधिकार है, यही सब बातें यहाँ लिखा गया है। आगे देखें हम लोग 70 में, तो चौरी चौरा कांड के संदर्भ में हमें 2 कथन दिया गया है, 3 कथन दिए गए हैं, इन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर बताइए कि कितने कथन सही हैं, गिन कर बताना है यहाँ, तो कितने कथन सही है। तो हम कथन को पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कौन सही है, कितना सही है, सब वही क्लियर होगा। तो इससे आप ना घबराइएगा कौन की सही है, कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कौन कौन कथन सही है, कभी पूछ लेगा कितने सही है। तो यहाँ कितना पूछ लिया है, तो आप लोग को मालूम है ये जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाया 20 में शुरू किया और 22 फरवरी को जो है 1922 में यह घटना घटी उत्तर प्रदेश के जो है आज के चौरी चौरा नामक जिले में। तो वहां पर 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा और वहां पर एक जिला बना दिया गया है, स्टेशन भी है। तो यह घटना के बाद गांधी जी ने बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 4 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। तो दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन उनका था, वो असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो वो 30 में चलाए थे, ये गलत हो गया कथन ही।
तो एक दो केवल हमारा यहाँ सही है, सी वाले में एक दो हमारा हो जाएगा यही वाला। आगे देखें हम लोग, अब ये हमारा 71 वाले में क्या है, भारतीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में हमें कथन दिया गया है, कथनों को पढ़कर हमें बताइए कौन सा सही है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो यस ये बात सही है। इस अधिवेशन के 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था, यस ये भी सही है। गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो यस सभी कथन सही है। यहाँ पर हमारा 71 का जो हमारा होना चाहिए, 71 का बी हो जाएगा, यही वाला सही है हमारा। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर दिया गया है सारी चीजें, यहाँ पर दी गई हैं जो जो वहां पर लिखा गया था, 6 दिन पहले फांसी दिया गया था, सारी चीजें है वही। आगे देखें हम लोग, अगर 72 में, 72 में दोस्तों जो हमें दिया गया है ये क्या है, कुछ घटनाएं दी गई हैं, घटनाओं को क्रम से हमें बताना है, सजाना है कि कौन सा घटना पहले हुई, कौन हुई, उसके बाद कौन हुई और उसके बाद कौन हुई, तो दोस्तों उसी को हमें यह अच्छे से एकदम सेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये जो पहला वाला है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, कलकत्ता निगर अधिनियम, विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, इस संदर्भ में हमें लिखा गया है। तो कलकत्ता निगम अधिनियम जो है 1899 में है, ये 1899 में है, और बाकी कुछ जो घटनाएं हैं वो इसके बाद की घटनाएं हैं, तो इसका मतलब दो सबसे पहले होना चाहिए, तो दो सबसे पहले यहाँ है और इसमें है, तो इसमें दो सबसे पहले नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सबको हम हटा सकते हैं। अब हमें क्लियर है वो आंसर सी या डी होगा। और इसके बाद जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, इसके बाद विश्वविद्यालय ये आयोग की स्थापना नहीं, स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें दिया गया भी है, एक सेकेंड, तो 1899 में ये कलकत्ता निगर अधिनियम, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902, 1904 में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, और बाल बंगाल विभाजन अधिनियम 1905 में, ये तो आप जानते हैं, ये सबसे अंत में रहेगा, तो इसका मतलब हमारा यही सी वाला आंसर हुआ, विकल्प नंबर सी यही सत्य है हमारा, 72 का सी। आगे देखें हम लोग, ये हो जो है हमारा 3 सही है, सही है। 73 में अगर हम लोग देखें, 73 में दोस्तों क्या कर रहा है, हमें मिलान वाला प्रश्न दे दिए गए हैं, एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ उसके प्रमुख नेता हैं, तो हमें वही बताना है कि कौन सा मतलब मैचिंग में है, उसे सही सुमेलित करके हमें बता देना है। तो दोस्तों ये जब 1857 का जो हुआ था विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, तो उससे संबंधित ये दिया है किस स्थान पर कौन से नेता अपना मोर्चा संभाले हुए थे, लीडिंग कर रहे थे, तो हमें जो सबसे ज्यादा क्लियर है उसी को हमें बताना है। तो लखनऊ में बेगम हजरत हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा, यूपी स्पेशल में भी हम लोगों को पढ़ाया गया होगा, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला हुआ था, वहां का नेता बेगम हजरत महल थी, तो सी वाला 2 पर हो जाएगा। तो सी वाला 2 पर कहाँ कहाँ है दोस्तों, सी वाला 2 पर केवल यहाँ है और यहाँ है, इसका मतलब तो इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब हम इन्हें अपनी आंखों के सामने हटा दें इन्हें, तो ए वाला या सी वाला हमारा उत्तर होगा। उसके बाद हमारा कौन सा बचता है दोस्तों, ये वाला बचता है। उसके बाद हम लोग देखें फैजाबाद, फैजाबाद में हम लोग जानते हैं मौलवी अहमदुल्ला यही थे, विकल्प नंबर ये जो डी वाला है यह 3 पर आ जाएगा, तो डी वाला 3 पर आ जाएगा, तो डी वाला 3 पर जो है कहाँ है, यह सी वाले में है। तो एक तो हमारा पहले बताया, एक तो ए होना चाहिए, क्योंकि ए हमने 2 तो छोड़ा, या तो का ए होना चाहिए या तो सी, लेकिन जो है अभी डी वाले से हमें क्लियर हो गया कि डी वाला 3 पर जाएगा, तो डी वाला 3 पर जाने से हमें ये क्लियर हो गया कि सी होगा, ए नहीं होगा, तो विकल्प नंबर ये सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला। आगे देखें, इसका मतलब अब हमें उत्तर तो मिल गया, मिलाना हो तब हम मिला सकते हैं, ये बी वाला को 1 पर मिला दें देवी सिंह, और ग्वालियर वाला जो ए वाला है उसे हम ले जाकर 4 पर मिला देते हैं, तांत्या टोपे। आगे देखें, तो यहां पर दिया गया है पूरा जो नेता थे
जहाँ का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। झांसी जी जो है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से बरेली में खान बहादुर इलाहाबाद लियाकत अली, तो कानपुर नाना साहब, यही सब दिया गया है यहाँ। आगे देखें हम लोग अगर 74 में क्या है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है हमें, कुछ घटनाएं के नाम है तो उन्हीं घटनाओं को हमें सेट करके बताना है कौन सा सही है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों, यह जो है बाल गंगाधर विद्याधर के सहयोग से ये लाया गया था 1856 में। ये कब आया था? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये आया था। ये तो हमें जो मालूम है यहाँ पर ये दिया है 1856 में। और उसके बाद जो है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों, मातृत्व लाभ अधिनियम, ये 1961 में आया था। ये 1961 में आया था। और हिंदू दत्तक एवं प्रबंधक अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 1978 में, 1978 में आया था। तो इस हिसाब से ये देश को हम लोग देखें तो ए वाला हमारा पहले पर, मतलब और जितनी घटनाएं हैं सब 1900 बाद की हैं, और 1900 पहले की घटना यानी 1800 मतलब 56 की घटना है, ये 1900 पहले की ही होगी। तो इसका मतलब ये नंबर एक पे होना चाहिए। नंबर एक पे केवल यहाँ पर ये बी है और डी है, तो यानी बी और डी में से कोई उत्तर हमारा होना चाहिए। इसको इसको हम अपनी आंखों के सामने से हटा दे। इसके बाद हमें देखेंगे कि हमारा कौन सा बन रहा है, ये मातृत्व लाभ अधिनियम ये हो गया, हिंदू दत्तक प्रबंधक अधिनियम ये 1956 में आया था, ये 1956 में आया था। तो इस हिसाब से हमारा ये कौन सा बन रहा है, पहले ये आ जाएगा और ये हो गया, फिर ये तीन वाला हो जाएगा, तीन वाला हो जाएगा क्योंकि ये 56 पहले आएगा, फिर जो है 61 आएगा, तब 78 आएगा, तो बी वाला होगा उत्तर। डी को हम हटा दें तो बी वाला होगा। यहाँ हम आंसर के हिसाब से नहीं कर रहे, हम आपको समझाने के बेस पर चाहता तो मैं आपको आंसर देख के बता देता, लेकिन आपको उस सिचुएशन में ले जा रहे हैं कि जिस एग्जाम में हमारे सामने आंसर नहीं रहेगा, तो हम एग्जाम में अपना दिमाग कैसे लगाएंगे, किस सिचुएशन को झेलेंगे, बिल्कुल उसी माहौल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ आंसर देख के खटाखट आपको मैं मिला सकता हूँ, यहाँ पर आंसर हमारे सामने है, लेकिन हम आंसर को इग्नोर करके उस सिचुएशन के हिसाब से आपको उसमें ढालने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखें हम लोग अगर क्या होगा हमारा 75 का, 75 में क्या है दोस्तों, देखा जाए गुप्त काल के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए हैं। किसके? गुप्त काल के संदर्भ में तीन कथन है। इन तीनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो दोस्तों देखें, इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह साथियों हम लोगों ने खूब पढ़ा है, गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसमें सोने के सिक्के बहुत जारी हुए थे। तो गुप्त काल के दौरान प्रशासन अधिकृत केंद्रीकृत था, तो नहीं दोस्तों ये जो है केंद्रीकृत नहीं था, विकेंद्रीकृत था। मौर्य काल जो है वो केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत मतलब सारी शक्ति केंद्र के पास ही थी, एक ही सब एक राजा के पास थी। तो ये केंद्रीकृत नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत ये प्रशासन था, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। यहाँ कह रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 ईस्वी में एक नए युग की शुरुआत किया, जिसे गुप्त युग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये बिल्कुल सही है, लेकिन गलती यहाँ किया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ऐसा किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नए युग की शुरुआत किया था, जिसे हम लोग गुप्त युग के नाम से जानते हैं, गुप्त संवत। तो यहाँ पर ये बात तुम्हारी तीसरी भी गलत हो गई, केवल एक सही है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहां पर देखें लिखा भी है, चीजों को हम लोग देख लें। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और यहां पर देखें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और एक गुप्त संवत की शुरुआत किया इन्होंने ही, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही, यही सब दिया गया है इसमें। तो केवल एक सही था हमारा, बाकी सब गलत थे। तो 76 में मौर्य सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मौर्य सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो यहाँ पर चांदी के सिक्कों को
करशापण कहा जाता था, यस ये सही है। सोने के सिक्कों को निष्क या सुवर्ण कहा जाता था, यस ये भी सही है। तांबे के सिक्कों को धरण कहा जाता था, नहीं साथियों यही गलत है और यही हमारा उत्तर होगा। इन सिक्कों पर स्वामित्व तो चिन्ह भी अंकित किए जाते थे, यस ये भी सही है। सब सब सही है, केवल सी वाला सही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो तांबे के सिक्कों को, तांबे के छोटे सिक्कों को धरण इसमें कर दिया गया है कि धरण कहा जाता था, तो धरण नहीं कहा जाता साथियों, यही इसमें थोड़ा इसमें फॉल्ट दे दिया है। और देखेंगे आप लोग कहाँ है, यहाँ छोटे तांबे के सिक्कों को काकरणी कहा जाता था, धरण नहीं काकरणी कहा जाता था, इसी हिसाब से वो गलत हो गया आपका। आगे देखें हम तो हमारा कौन सा सही होगा, तो गलत कौन था, यही धरण के जगह पर ककरणी होना चाहिए था, तो यही सही है क्योंकि यही गलत है, तो हमसे पूछा गया है गलत तो गलत हमने बताया। 77 में यहां पर मानक समय, मध्यान्ह रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी संबंधित आप कह सकते हैं। मानक समय मध्यान्ह रेखा हम लोग जानते हैं 82.5 डिग्री से भारत में होकर गुजरती है, और कर्क रेखा तो एक दूसरे को जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में काटते हैं। आप लोग अगर मैप देखेंगे तो कर्क रेखा और मानक समय जो है रेखा वो जो है छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। आगे देखा जाए 78 में क्या है, 78 में दोस्तों हमें दे दिया है एक तरफ प्रमुख कुछ पर्व है हमारे भारत के कुछ प्रमुख पर्व, और दूसरा वो राज्य कहां पर कौन सा पर्व मनाया जाता है किस राज्य में उससे संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, बहुत ही जो फेमस चीजें हैं उसको मिलाएं तो उससे हमारा उत्तर निकल जाएगा। ये जो है हमारा दोस्तों ये हॉर्नबिल महोत्सव, इस हम लोगों ने इसके बारे में खूब पढ़ा होगा, खूब पूछा जाता है। हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये हॉर्नबिल नागालैंड पे चला जाएगा। और असम में हमारा ये अंबुबाची मेला लगता है, इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे, बहुत अच्छा मेला है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार इसके बारे में आप सर्च कर लीजिए। तो डी वाला हमारा एक पर गया, डी वाला तीन पर गया, तो बी वाला एक पर डी वाला तीन पर, तो सी ही बन रहा है क्योंकि बी वाला एक पर और सी वाला डी वाला तीन पर, यही केवल इसी सेट में है और कहीं नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा। इस हिसाब से कह सकते हैं ए वाला हमारा अब चार पे जाएगा, लोसर। लोसर जो है ये हमारा यह लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में होता है, और यह लोसांग जो है ये सिक्किम में। आगे देखें, आगे हमारा ये जो दिया है 79, बहुत अच्छा प्रश्न, रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा दोस्तों ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ लघु हिमालय प्रदेश में पड़ता है, तो विकल्प नंबर ए वाला हो जाएगा हमारा 79, ये इसमें लघु हिमालय प्रदेश दे दिया है, कभी कभी राज्य पूछ लेगा तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश वैसे ही एक बहुत ही सांसद साहिबा है, बहुत फेमस रहता है हिमाचल प्रदेश उनकी वजह से, आप लोग चाहे तो कमेंट में उनका नाम बता सकते हैं अगर समझ गए होंगे तो। तो यहां पर दे दिया है, यहां पर आप मैप में भी देख सकते हैं रोहतांग दर्रा, यही लाल कलर से दर्शाया है। आगे देखें तो यहां पर क्या दिया है, मैं 80 वाले में गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि गहन निर्वाह कृषि से संबंधित कौन सा कथन है। तो पहला पढ़ेंगे तो इसमें छोटे भूखंड पर साधारण तरीके और अधिक श्रम द्वारा खेती की जाती है, यस बिल्कुल सही, यह दक्षिण पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में प्रचलित है, यस दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, तो सी वाला सही है, दोनों सही है, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में यही है क्योंकि अधिक श्रम इसमें लगता है, छोटे भूखंड होते हैं, और यहाँ पर आदिम निर्वाह भी दे दिया है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, नहीं तो पीडीएफ में आप पढ़ ही लेंगे। तो चले हमें लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो अब ले लीजिएगा। आगे देखें ये हमारा जो है 81 में क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन 81 में,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण है? तो विकास बैंक का उदाहरण क्या है दोस्तों, यही हमें बताना है। तो राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो दोस्तों यहां पर जो है प्रथम तीनों है, यही भारत में विकास बैंक के उदाहरण है। तो ये हमारा उत्तर जो होगा बी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यहां पर ओवरसीज वाला नहीं होगा। आगे देखें, ये 82 में हमें क्या दिया है, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा है इसके बारे में। फिलिप्स वक्र जो है वो मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है, बहुत अच्छा है, इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो विकल्प नंबर ये हमारा बी हो जाएगा। फिलिप्स वक्र यही बताता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या है, बताती है किसी अर्थव्यवस्था के भीतर बेरोजगारी में परिवर्तन का मूल मुद्रा स्फीति एवं पूर्वानुमान प्रभाव पड़ता है, यानी मुद्रा स्फीति का बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ता है यही बताता है संबंध में। तो आगे आप लोग देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका, क्या उत्तर हुआ यहाँ पर, ये मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी, बी वाला आंसर। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ हमें दिया जो 83 में, तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत में हेडलाइन मुद्रा स्फीति, भारत में हेडलाइन मुद्रा स्फीति किस पर आधारित है? तो अगर आपको कोर मुद्रा स्फीति पूछे, कोर मुद्रा स्फीति का मतलब ये होता है दोस्तों, खाद्य वस्तुओं और ईंधन को छोड़कर जिन वस्तुओं में महंगाई तेजी से बढ़ती है, लगातार बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि को ये जो है कोर मुद्रा स्फीति। अब हेडलाइन मुद्रा स्फीति जब आती है तो उनको भी शामिल कर लिया जाता है, जो खाद्य वस्तुएं होती हैं और ईंधन होते हैं तो उनको भी जब शामिल कर लिया जाता है तो ये हेडलाइन मुद्रा स्फीति कहा जाता है। तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPI, सी मतलब यहाँ कंज्यूमर हो सकता है। तो ये डी वाला हमारा आंसर होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिया भी है, भारत में हेडलाइन मुद्रा स्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी कंबाइन, सॉरी साथियों यहाँ कंबाइन था, मैंने कंज्यूमर बता दिया था, तो यहाँ यह कंबाइन पर आधारित है। तो यही सब है, यहाँ डी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे देखें हम लोग, ये हमारा 84 में, तो ये 84 में क्या है, ट्रेजरी राजकोष, ट्रेजरी बिल के बारे में कौन सा कथनों पर विचार करके बताना है और विचार कर बताइए कौन सा हमारा सही है। तो ये भारत में केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी ट्रेजरी बिल जो होता है, कह रहे हैं भारत में केवल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो दोस्तों ये बात गलत हो गई, राज्य सरकार के द्वारा भी जारी किए जाते हैं, ये भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण संसाधन है, यस ये भी सही है, और ट्रेजरी बिल उनके अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किए जाते हैं, ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 सही है, 1 हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखा भी है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार भी जारी कर सकती है इसको। आगे देखें हम लोग 85 में, तो भारत में अपनाई गई सिंचाई विधि, भारत में जो सिंचाई विधि हम लोग अपनाते हैं, भारत में अपनाई गई है, वो कौन सा क्रम हमारा सही है, सबसे ज्यादा किससे सिंचाई करते हैं, फिर कौन सा है, फिर ट्यूबवेल है, नहर है, कुआं है, टैंक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग ट्यूबवेल से करते हैं, यानी एक मशीन मोटर के द्वारा हम लोग जो है पानी निकाल कर नीचे से जो है उसको ट्यूबवेल के द्वारा जो है, तो ट्यूबवेल, फिर नहर, फिर कुआं, फिर टैंक, ए वाला हमारा यही सही है। आगे देखें 86 में हमारा क्या है, साल्टन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साल्टन सागर के संदर्भ में कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा हमारा सही है। तो यह अफ्रीका में पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक उथलीय झील है। तो नहीं साथियों, यह पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक उथली झील है, यह गलत है। और दूसरा वाला कह रहा है कि समुद्र तल के नीचे स्थित है और इसकी लवणता समुद्री जल से अधिक होती है, यस ये वाला दूसरा सही है हमारा। तो यहाँ पर केवल बी हो जाएगा, केवल 2 वाला यही सही है, यहाँ पर इसका फिगर में हमको दर्शाया गया है। तो साल्टन सागर के बारे में, यह एक उथली खारी झील है जो नीचे कोकराडो रेगिस्तान दक्षिण कैलिफोर्निया यानी USA यानी अफ्रीका में नहीं है, यह अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में।
और पर्वत श्रृंखला के बीच समुद्री तल के नीचे स्थित एक भूवैज्ञानिक अवसाद है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, जो दिया है जो हमसे कह रहे हैं ये, तो ये अफ्रीका में नहीं बल्कि ये यूएसए में है, तो ये गलत हो गया और ये सही है, तो केवल दो ही सही हुआ हमारा, बी वाला। तो 87 में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, एस्से क्यूबो क्षेत्र को हाल ही में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में देखा गया था। तो जो एस्से क्यूबो है दोस्तों, गुआना वेनेजुएला संघर्ष से संबंधित है, ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, ये गुआना वेनेजुएला संघर्ष के बारे में। तो यहाँ दिया गया है इसका फिगर जो है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, वेनेजुएला है यहाँ, यहाँ गुआना है मैप में, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं थोड़ा जो लिखा है। 88 में क्या है हमारा, 88 में हमारा निकारागुआ के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं हमें, निकारागुआ के संबंध में हम लोग उसको पढ़कर अब बताएं कि कौन सा हमारा उत्तर सही है। तो कौन सा हमारा सही है, तो यहाँ देखिए, यह मध्य अमेरिका में एक स्थित स्थल रुद्ध देश है। नहीं दोस्तों, स्थल रुद्ध देश नहीं है, यह तट से लगा हुआ देश है निकारागुआ, अभी फिगर में हम आपको दिखाएंगे। तो यह गलत हो गया, यह लैटिन अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो स्पेनिश और ब्रिटिश दोनों सरकारों का उपनिवेश था। तो यस, दूसरा वाला सही है, तो केवल यहाँ पर हमारा उत्तर सी हो जाएगा, केवल दो सत्य है। तो देखेंगे ये जो है हमारा, जो किसके बारे में, निकारागुआ के बारे में बात कर रहे हैं, तो निकारागुआ देख रहे हैं यही है, और समुद्र से लगा हुआ है, स्थल रुद्ध देश का मतलब है वो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है, उसके तट पर समुद्र नहीं है। तो ये बात आपकी गलत हो गई, ये मध्य अमेरिका में है। 88 हो गया हमारा, 88 का एक को फिर से अवगत करा दे, 88 का ये तो हमारा गलत हो गया पहला, दूसरा केवल सही है, तो सी उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर लिखा गया उसके बारे में, पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। 89 में यह सिक्किम में पंगोलखा वन्य जीव अभयारण्य और भूटान के तोरसा रिजर्व को जोड़ता है, इसमें तीनों उपक्षेत्रों की विशेषताएं शामिल है, अर्थात हिमालय पर्वत तंत्र, भारतीय प्रायद्वीप उपक्षेत्र और मलायन उपक्षेत्र। यह कथन निम्नलिखित में से किसका व्याख्या कर रहा है? तो दोस्तों, यह नवोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान विकल्प नंबर डी के बारे में बात कर रहा है, यह पश्चिम बंगाल के कालीपोंग जिले में स्थित है, नेवोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखें उसके बारे में, ये दोनों बात जो ऊपर बातें लिखी गई है वो नेवरा जो है घाटी या वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है, जो पश्चिम बंगाल के कलिपोंग जिले में है। तो 90 में हमारा क्या है, सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वांचल में शामिल है। अब गोरखपुर के बगल में आप लोग देखेंगे कि महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों से सीमा साझा करता है, बहुत ही खूबसूरत जिला। आगे देखें हम लोग, ये 90 का हमारा, ये 90 का तो हो गया, डी हो गया हमारा, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। आगे देखें 91 में, केंद्रीय जल आयोग ये CWC, तो CWC यानी के सेंट्रल वाटर कमीशन के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए हैं, दो कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नहीं भाई, गलत हो गया, यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, तो ये भी गलत है। कह रहे हैं कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, न तो डी, न तो एक, न तो दो। यहाँ हमें दिया गया है केंद्रीय जल आयोग के बारे में, तो यह जो है भारत में एक प्रमुख तकनीक का संगठन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और केंद्रीय जल आयोग नेतृत्व एक अध्यक्ष है, यह भारत सरकार के पदेन सचिव का दर्जा है। इस तरह से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं।
तो यहां पर दोनों के दोनों कथन गलत हो गया, डी हो जाएगा हमारा। आगे देखें 92 में हमारा कौन सा है, मेथेन के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए हैं, तीन दिए गए हैं, तो उन्हीं को पढ़कर हमें बताइए कि कितने का गिनकर बताना है कि कितने सही है। तो मेथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, यस CHG है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये वायुमंडल में रो जाती है, परत बनाकर ये टेम्परेचर को सोखती है, तो यस ये बात तो सही है। मेथेन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है, आर्द्रभूमि में सबसे प्रमुख मेथेन उत्सर्जक है, ये सही है। तो यहाँ पर केवल हमारा दो सही है, एक और तीन यहाँ पर हम लोग देखें मेथेन के बारे में, तो ग्रीन हाउस गैस तो है ही, 20 वर्षों तक बनी रहती है वायुमंडल में, भारत दुनिया के 5 मेथेन उत्सर्जक गंतव्यों में शामिल है, मेथेन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है, आर्द्रभूमि का सबसे प्रमुख उत्सर्जक मीथेन है, तो ये सब यहाँ पर दिया गया है यहाँ हमारा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाला और तीन वाला में आगे देखें, यानी दो सही है हमारा, दो गिनना है हमें ना, तो 92 में हमारा हो गया। 93 में अगर हम लोग देखें तो 93 में हमें मिलाने वाला है, एक तरफ हमें प्रदूषक दिया है पोलुटेंट और दूसरी तरफ हमें बताया ये कहाँ पाया जाता है, तो साथियों इसी को हमें बताना है। तो शीशा जो है, लेड जो है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, शीशा जो है यह कैथोड किरण नलिका से संबंधित है, तो ए वाला जो है हमारा दो पर चला आएगा, तो यहाँ पर चला आएगा। बी वाला जो है कैडमियम, ये हमारा जो चिप होते हैं या सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जा पाया जाएगा। और पारा जो है दोस्तों हमारा, ये पारा जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं उसमें उसमें हो जाएगा। और एक बचा हमारा ये बेरिलियम मदरबोर्ड, इसमें आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला बन रहा है सेट, ये वाला A2 B3 और C4 और D1 यहाँ पर यही दिया है, हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ, यही सब बातें यहाँ लिखा गया है। आगे देखें 94 में यहाँ पर हमें दिया है कि भूकंप में सबसे विनाशकारी कौन होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा सबसे तेज चलने वाली P तरंगे होती हैं, फिर उससे तेज फिर यस, फिर सबसे कम स्पीड में L तरंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक L ही होती हैं। L जो है ये हाई एम्पलीट्यूड की होती हैं, चलती तो धीरे हैं लेकिन बहुत हिला देती हैं, बहुत विनाशकारी हैं, तो विकल्प नंबर C आपका यही सही है, L तरंगे जो है जिसे हम लोग L तरंगे बोलते हैं। आगे देखें 94 हो गया हमारा, 95 में क्या है, L तरंगों के बारे में यहाँ दिया गया है, आप पढ़ लेंगे। 95 में दोस्तों क्या है, काली रेगुर, काली मिट्टी या जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो इसके संदर्भ में हमें तीन कथन दिया गया है, तीनों को पढ़कर बताएं कि कौन सा हमारा सही है। तो कौन सा सही है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही है, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा सही है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अति उपयोगी होता है, यस दोस्तों बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र या उसके आसपास जो क्षेत्र है वहां कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, इससे हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में इस मिट्टी को करेला के नाम से जाना जाता है, नहीं दोस्तों करेला के नाम से नहीं जाता है, ये गलत हो गया, यह मिट्टी नाइट्रोजन फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, यहाँ लिख दिया भरपूर तो गलत हो गया, तो कमी होती है भरपूर नहीं होती है, तो केवल एक हमारा सही होगा ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में शायद दोस्तों इसे जो है यहाँ पर दिया होगा कहीं, तो जो है महाराष्ट्र में आप लोग देख लीजिएगा, उसे शायद रेगुर मिट्टी ही कहते हैं महाराष्ट्र में। तो आगे देखें हम लोग, इसलिए वो गलत हो गया दूसरा वाला। तो ये 96 में क्या है, कोशिका में मौजूद राइबोसोम स्थल हैं, तो राइबोसोम जो कोशिका में होता है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है, विकल्प नंबर C हम लोग जानते हैं बहुत सरल है,
पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो इसके बारे में यहाँ दिया है सारा सारा जो होती है उसमें, कोशिका के बारे में लोगों ने पढ़ा है। कोशिका में जैसे हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूं, सेल जैसे होता है यहाँ, उसमें तीन मुख्य पार्ट होते हैं। जैसे एक तो आवरण होता है जिसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं, आवरण हो जाता है, और एक उसका जो है बीच वाला जो हम लोग जिसमें ये सब पाए जाते हैं ये हो गए, और एक उसमें केंद्रक होता है जो उसे कंट्रोल करता है। तो यही है सब है, इन्हीं के क्षेत्र में ये पाया जाता है। आगे देखें हम लोग 97 में, लिथियम के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है, तो ये बताइए, इन्हें पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा सही है लिथियम के संदर्भ में, तो कौन सा सही है, चले हम लोग देखते हैं। तो यह एक क्षारी धातु है और कमरे के तापमान पर ठोस है। यह सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु है। दुनिया में लिथियम सबसे बड़ा भंडार चीन में पाया जाता है। तो यस, तो यह हमारा सही है, बी वाला हमारा आंसर होना चाहिए इसमें, तो यानी केवल दो होगा। तो केवल दो में कौन कौन से होते हैं एक बार हम यहां से क्लियर कर लें। तो लिथियम जो होता है कमरे के तापमान पर ठोस होती है, यह सभी तत्वों में सबसे हल्का, जबकि हाइड्रोजन सभी तत्वों में सबसे हल्का है। तो यही सब यहाँ पर बातें लिखी गई है। तो इस हिसाब से हमारा जो है केवल जो आंसर होगा केवल दो हो जाएगा, बी वाला होना चाहिए हमारा, तो केवल दो। तो हमारा जो है तो इसीलिए दोस्तों पहला जो गलत हुआ अर्जेंटीना में होगा, यानी सबसे ज्यादा चाइना में नहीं है, सबसे ज्यादा अर्जेंटीना में है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार कह रहे हैं चीन में है, चीन में नहीं अर्जेंटीना में है, वहां मैंने आपको दिखाया। तो इसीलिए यह दोनों केवल सही है और जो है केवल दो हो जाएगा, तीसरा गलत हो गया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 98 बहुत ही बेहतरीन सवाल है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत मोटा है, क्योंकि साथियों बहुत सी ऐसे सवाल होते हैं देखने में बहुत सरल होते हैं लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं उलझा देते हैं। देखिए इसमें दम कहाँ है, दम इसी में है, आपसे कह रहा है दो कथन दिए, कथनों पर विचार कीजिए और विचार कर बताइए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये सरल है और इसी की वजह से कुछ लोग गड़बड़ी कर देंगे। तो कौन सा सही नहीं है यानी जो गलत है उसी को हमें पकड़ना है। तो पहला वाला जब हम पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों दूसरे स्थान पर नहीं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो है यह पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है। तो ये कथन आपको गलत दे दिया है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खनन के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया में दो सोने की खान है, एक कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खान के रूप में प्रसिद्ध है, ये बात सही है। तो हमसे पूछा है जो सही नहीं है यानी जो गलत है उसे बताना है, तो गलत हमारा एक है केवल एक, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा, यही है। ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे होते हैं, हमें आता रहता है लेकिन हम ये नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते इसलिए गलती कर देते हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा क्या है 98 वाले में, 99 में। तो 99 में साथियों हमसे जो पूछ रहे हैं करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूएनडीपी के संदर्भ में दो कथन है हमारे पास, इन दोनों कथनों का हमें अच्छे से अवलोकन करके बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो देखें पहला वाला जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसका मुख्यालय कह रहे हैं जिनेवा में है। नहीं दोस्तों, इसका मुख्यालय यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वही ट्रंप वाला जहां इस समय ट्रंप जीते हैं वही, तो वहां यूएसए में है। तो ये विकल्प नंबर ए आपका तो गलत हो गया। और दूसरा कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है, यानी जितना जिसका जितना क्षमता हो अपने मन से उसके हिसाब से वित्त पोषण वहां पर फाइनेंस कर सकता है, तो यह स्वैच्छिक है बाध्यकारी नहीं है, तो इसलिए यह दूसरा वाला हमारा सत्य है। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, तो सही हमारा केवल यहाँ पर दो होगा, एक गलत हो गया क्योंकि जिनेवा में नहीं यूएसए में है,
एक्सप्लेनेशन इसका भी कहीं दिया होगा। देख रहे हैं यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है ये वाला, तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं 100 में क्या है। 100 वाले में हमसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ये चार आपको नाम दिए गए हैं, कौन सा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य हैं। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के चार सदस्य हैं दोस्तों, इन चारों में से यहां म्यांमार नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका जो होना चाहिए दोस्तों, ये भारत है, मालदीव है, मॉरिशस है, और यहां पर म्यांमार नहीं है। तो यहां विकल्प नंबर हमारा जहां चार होगा वहां उसको हम हटा देंगे, तो यहां चार है, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, बचा हमारा बी, तो बी में हमारा आंसर होगा। तो यहाँ चार क्या क्या है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा का समूह है। क्या? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, क्या है? एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है इन चार देशों का, यही है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर म्यांमार नहीं होगा, बाकी तीन है ऊपर वाले। 101 में देखते हैं, अगर हम लोग 101 में क्या है, कौन सा भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भूमध्य सागर आप लोग देखेंगे अगर मैप में दोस्तों, ये हमें भूमध्य सागर दिखेगा, अफ्रीका और यूरोप के बीच में दिखेगा। तो भूमध्य सागर से कौन सा अपना सीमा साझा, कौन सा देश सीमा साझा करता है, उसके बारे में लिखा है हमें। तो दोस्तों कौन कौन सा है, इटली सीमा साझा करता है, लेबनान करता है, और जो है यहाँ ये जो है तुर्की ये करता है, टर्की, तो यहाँ ये जॉर्डन, इराक ये नहीं करते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 1, 2, 5 विकल्प नंबर ए हुआ। यहाँ आपको दिया भी होगा एक्सप्लेनेशन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ भूमध्य सागर के बारे में, तो भूमध्य सागर के बारे में यहाँ आप लोग यहाँ देख लीजिएगा अच्छे से, यही है, और मैप में देखेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा बड़े वाले में। तो यही है हमारा, आगे देखें हम लोग 102 में क्या है। हाल ही में खबरों में रहा नासाम्स, नासाम्स क्या है? तो दोस्तों नासाम्स एक धरातल आधारित वायु रक्षा प्रणाली है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, वायु रक्षा, धरातल आधारित वायु रक्षा प्रणाली है नासाम्स। यहाँ पर देखें लिखा होगा नासाम्स का पूरा नाम, यहाँ पर नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में यहाँ कुछ बातें लिखा गया है। यह एक मध्यम दूरी की जमीन आधारित तो वायु रक्षा प्रणाली है, यानी जमीन से एयर में मारने के लिए। यह दुनिया की पहली नेटवर्क वाली छोटी और मध्यम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली है, जो रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत हो सकती है। आगे देखें हम लोग 103 में क्या है। 103 में जो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है देखने में, फैल गया है, बड़ा नहीं केवल फैल गया है। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसे हम लोग पीएम अजय योजना कहते हैं, तो पीएम अजय योजना या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संबंध में दो कथन है, दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो चले हम लोग देखते हैं, ये पहला कह रहे हैं कि यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। यस दोस्तों, यह केंद्र सरकार की यह योजना है, बिल्कुल सही, तभी नाम में पीएम लगा है तो इसका मतलब जान ही सकते हैं आप लोग, हाँ यही होगा, तो इसमें कुछ कहना नहीं है। दूसरा वाला हम देखते हैं, इस योजना के तहत 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति यानी एसटी यानी जहां पर एसटी की आबादी 50% या उससे अधिक होगी, तो उस गांव के अनुदान के लिए पात्र है, वही इसके एलिजिबल है। तो दोनों सही हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे देखें हम लोग, यहाँ कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये चौथे वाले चले, मिलान वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न होते हैं मिलान वाले। देखें, एक तरफ हमें नगरों के नाम है रियल नाम, और दूसरी तरफ उनके उपनाम है, जैसे हम लोगों का घर का नाम कुछ और रहता है, कॉलेज का कुछ और, इसी तरीके से। तो बलरामपुर है, बलरामपुर को हम लोग जानते हैं साथियों, शक्तिपीठ कहा जाता है, देवी पाटन वगैरह मेला वहां पर लगता है, तो यहाँ बलरामपुर शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है, ये हो गया हमारा। और हाथरस को कौन भूल सकता है, हाथरस को दोस्तों हम लोग जानते हैं महामाया नगर, तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से जो, यानी मिलान वाला प्रश्न जब भी आपके सामने आए आप यही सोचिएगा, पहला आपका थीम यही होना चाहिए कि हम पहले उसके पास जाए जो हमें सबसे ज्यादा क्लियर हो, तो जो हमसे सबसे ज्यादा क्लियर होगा
वहां पर जाएंगे, जो दुविधा वाला होगा एलिमिनेशन के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। अब मान लीजिए हमें दो ही आ रहा है, तो हमें देखें क्या दिमाग लगाएंगे, हाँ ए वाला चार के पास आना चाहिए, तो ए वाला चार के पास एक यहाँ है एक यहाँ है, इसका मतलब ये इसको इसको हम हटा सकते हैं, ये काम के नहीं है क्योंकि हमें पहले से पता चल गया कि ए चार पे होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब दूसरा हमें ये पता चला कि यहाँ बी वाला एक के पास जाएगा, तो बी वाला एक के पास देख रहे हैं यहाँ है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो के पास चलाया गया, तो इसे हम कट कर देंगे, तो बचा हमारा कौन, सी, सी वाला हमारा आंसर होगा, यही सत्य है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो है बी वाला एक पर, सी वाला जो है हमारा ये सी वाला दो पर चला जाएगा, गोंडा जयप्रकाश नगर, और एक बचा है सिद्धार्थ नगर, तो इसका बुद्ध नगरी यही चला आएगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ दिया गया है उसके आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं कई सारों के नाम, अलीगढ़, ताला नगरी, बुलंदशहर, आहाड़ क्षेत्र, बहराइच, सैयद मसूद, गाजी नगर, ऋषि भूमि, आगरा, ताज नगरी, अपेठा नगरी, सिद्धार्थ नगर, बुद्ध नगरी, तो ऐसे सारे नाम दिए गए हैं, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से लेकर। तो यहाँ कुछ आपको इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, संस्थान, और दूसरा उसका लोकेशन दिया गया, स्थान, कौन से संस्थान किस स्थान पर है ये हमें बताना है यहाँ। तो चले हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ एक चीज हम लोग जानते हैं अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैं बनारस के जस्ट बगल का हूँ तो मुझे मालूम है बनारस के बारे में अच्छे से। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों वाराणसी में है, तो ये आ जाएगा ये वाराणसी में, यानी बी वाला दो पर होना चाहिए, तो बी वाला दो पर कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, इसका मतलब अब हम इसको काट सकते हैं, ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर और ये नहीं हो सकता, तो इस दोनों को हम हटा दिए। अब देखते हैं साथियों, हम लोगों ने और एक अच्छा अच्छा फैक्ट पढ़ा है, बहुत पॉपुलर फैक्ट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक है, तो ये कटक पर चला जाएगा, यानी सी वाला हमारा एक पर आना चाहिए, तो सी वाला एक पर ये जो है हमारा, ये बी वाले को हम नहीं काटना चाहिए था यहाँ, तो हम लोगों ने गलती कर दिया कुछ, बी वाला दो पर आना चाहिए था, तो कुछ गलती हो गई हमसे पहले से ही। तो मैंने पहला ये आपको बताया था कि बी वाला दो पर आना चाहिए, तो बी वाला दो पर कहाँ है, बी वाला दो पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इसका मतलब हम इसे काट सकते हैं और ए इसे काट सकते हैं। अब देखें हमारा कौन बच रहा है, कटक वाला अगर हम मिला दें, सी वाला एक पर गया तो सी वाला एक पर जाएगा, तो कौन सा हमें मिलेगा, सी वाला एक पर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इससे काम नहीं बना। तो आगे देखते हैं केंद्रीय आलू संस्थान, ये पहले पटना में था बाद में शिमला हो गया, तो डी वाला चार पे आएगा, तो डी वाला चार पे केवल यहाँ है इसी में, तो यही हमारा बी वाला होगा, विकल्प नंबर बी हमारे सामने आंसर था, लेकिन आंसर के सामने हिसाब से हमने काम नहीं किया, मैं एक सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम हाल में जब हम होंगे तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, उस पर हम उस हिसाब से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारा बी वाला होगा, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब पता चल गया कि हाँ ये लखनऊ पर ही आएगा, तो हमें और पता चल गया, नहीं मालूम था लेकिन अब मालूम हो गया कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। आगे देखें अगर हम लोग, तो 106 में हमें लिखा है, पढ़े हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में पढ़े होंगे तो मालूम है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है, प्रादेशिक कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20 है, तो तीन के तीनों सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो डी हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। आगे देखें हम लोग, कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, तो अमूर्त विरासत क्षेत्रों में शामिल किया गया, अमूर्त का मतलब यहाँ ये होता है साथियों जो दिखता नहीं, जो यानी जो एक तरह से कल्चर का होता है, तो जैसे कोई बिल्डिंग हो गई वो मूर्त रूप है, और ये कोई बिल्डिंग थोड़ी ना, एक तरह का एक तरीके से ये हमारा इमोशनल मामला है अमूर्त। तो कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था, तो 2017 में, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर और सारी बातें लिखा गया है, 17 में कुंभ मेले को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, 22 में गरबा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया,
कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में, पंजाब के ठठेरों द्वारा पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तन जो बनाए जाते थे 14 में, योग को 2016 में, सभी अमूर्त स्थल और उनके वर्ष की सूची बनाएं। तो आप ऐसे बना लीजिएगा जो सभी अमूर्त स्थल जो शामिल कब कब हुए हैं, कौन सा कब हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ लिखा है हमारा 8 में, ओनिक्स मिसाइल, ओनिक्स मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहला वाला में दिया है कि अपनी डिफॉल्ट ओनिक मिसाइल की अपनी डिफॉल्ट प्रक्षेप पथ पर 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। तो यहाँ पर साथियों यह गलत हो गया, पहला ही गलत है, पहला हमारा उत्तर हो जाएगा और बाकी ये सब जो है ओनिक्स मिसाइल के संदर्भ में सही है। तो इसे रूसी ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है, सतही जहाजों, पनडुब्बियों और भूमि आधारित उपकरणों के लॉन्च किया जा सकता है। तो ये सब सही है, पहला गलत है। तो यहाँ दिया होगा हमारा क्यों गलत है, यह जो 500 नहीं 300 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर प्रक्षेप पथ पर 120 किलोमीटर तक की है ये, तो हम 500 दे दिया था इसलिए गलत हो गया। तो 109 में क्या है, कौन सा अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। तो हमें मालूम है अभ्यास हमको बहुत पूछा जाता है, फलाना अभ्यास किस किस देश के बीच होता है या इन इन देशों के बीच कौन सा अभ्यास हुआ, तो इसके बारे में तो हमें मालूम है दोस्तों, ये मित्र शक्ति जो है ये श्रीलंका के साथ भारत करता है, ये मालदीव के साथ नहीं। तो हमें जहां 4 वाला होगा उसे हटा देंगे, जहां 4 बैठा होगा, तो 4 यहां बैठा इसको हटा दिए, डी में बैठा है इसको हटा दिए। तो हमारा अमूमन हमें पता चल गया कहां बी ही होना चाहिए, तो बी वाला यहां पर होगा, थोड़ा सा हम ऊपर करें दिखाई देगा हमें, तो ये बी वाला। तो 1, 3 और 4 कुबेरीन दोस्ती एकता ये किसके बीच होते हैं अभ्यास, भारत और मालदीव के बीच, और ये जो होते हैं ये श्रीलंका के बीच होते हैं, श्रीलंका भारत इंडिया श्रीलंका के बीच। आगे देखा जाए अगर यहां सब दिया है अपना आप एक बार देख लेंगे, एक कुबेरीन दोस्ती एकता ऑपरेशन शील्ड ये होते हैं और ये सब श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात ये है, और जो भी है यहाँ पर महत्वपूर्ण अभ्यास श्रीलंका के बीच जो होता है मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। तो आगे देखें हम लोग 110 में, 110 में जो हमसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बहुत अच्छा पॉपुलर प्रश्न, हम लोग जानते हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ऐसे आप इलाहाबाद, ये सब देखेंगे कुल 11 जिले ऐसे हैं यूपी के, यूपी के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो झांसी हो गया, इटावा हो गया, जालौन हो गया, ये सब हो गए। तो 1, 3 और 4 दूसरा फतेहपुर नहीं होगा, फतेहपुर कहाँ से आ जाएगा भाई, फतेहपुर नहीं है। तो जहां 2 होगा उसे हम काट दें, तो 2 कहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और बाकी जो है ये 3 सही हैं, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 11 जिलों के नाम दिया गया है कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और एक चीज यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेकर आई थी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को हर एक उत्पाद में उनका जो पारंपरिक उत्पाद है उसमें उनको प्रतिस्पर्धी बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट लेकर आया था। तो उसमें आपको कभी कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे देगा या डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट दे देगा, मिलाने को दे देगा, इस तरह से आप इसको पूरा याद रखेंगे। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो मंजू उत्पाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में को, एक जिला यानी मंजू उत्पाद को ODOP के तहत किस जिले से संबंधित है। तो मंजू साथियों प्रयागराज, विकल्प नंबर बी हम लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, प्रयागराज में मंजू उत्पादन के लिए ODOP है। आगे देखा जाए यहाँ पर वो सब नाम दिए गए हैं, आजमगढ़ काली मिट्टी कलाकृतियां, इटावा वस्तु व्यवसाय, प्रयागराज चांदी के उत्पाद, मंजू उत्पादन, ये सब यहाँ दिए गए हैं। 12 में हम लोग देख ले, भारत सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अभी जब चुनाव 2024 का हो रहा था तो उसमें संविधान का मामला खूब चला, और उसके बाद मोदी जी किसी तरह से मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे,
जिस दिन इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को जो है इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तो उसी के ध्येय से मोदी जी ने कहा कि अब हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, कि विपक्ष वाले संविधान कर रहे हैं और हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, जिससे यह कहने की कोशिश करेंगे हाँ विपक्ष ही संविधान का हत्यारा रहा। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे देखा जाए, यहाँ मनोज वाजपेयी, हमें लगा कि मनोज तिवारी है, 113 में मनोज वाजपेयी की जीवनी पर आधारित पीयूष पांडे की पुस्तक का क्या नाम है? तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, विकल्प नंबर सी यही है, किसने लिखा है? पीयूष पांडे। आगे देखें, यहां लिखा होगा, यहां उनकी जीवन गाथा है इसमें। तो हाल ही में पी गुप्ता को उनकी कृति, उनकी रचना आन थचुकल, पुरुष रचनाएं, तो आन थचुकल जिसका मतलब यहां होता है पुरुष रचनाएं, के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो के सरस्वती अंबा पुरस्कार, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नारीवाद साहित्य और अध्ययन से संबंधित मान्यता के रूप में लेखिका, आलोचक और नारीवाद के कार्यकर्ता पी गुप्ता को पहला यानी फर्स्ट के सरस्वती अंबा पुरस्कार प्रदान किया गया है। 15 देखें हम लोग, तो आईकार भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ICAR जिसे हम लोग आईकार पढ़ते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शोपना कलिंगल को सम्मानित किया गया है, विकल्प नंबर ए, स्पाइस अवार्ड यानी मसाला अवार्ड जिसे हम लोग कहते हैं 2024 के बारे में। तो कलिंगल ये प्लांटेशन त्रिशूर की सोपान कलिंगन को आईकार भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 मिला है। तो आगे देखें हम लोग, ये 116 प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय की पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय की पहल है, ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। इसे पढ़ लेंगे आप लोग यहां थोड़ा सा, तो 11 में क्या है, यहां 17 में उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो हाल ही में सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु यानी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली कक्षा हेलो कक्षा को पूरी करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष सौर वेधशाला बन गया है। तो कौन है साथियों? आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, खूब चर्चा में था, इसके बारे में आप लोग जाने होंगे। तो आदित्य L1 के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये जो जुलाई 2024 का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट जिसे हम लोग L पॉइंट कहते हैं पर भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला मिशन सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर लेगा, तो इस संबंध में है। तो विकल्प नंबर यहां आपका ये बी हो जाएगा। तो 18 में किस कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च किया है? यानी अब तक तो हम लोग देखते थे एक ऑटो रिक्शा जो ग्रीन कलर में बनाया जाता था पहले, अब तो शायद बैटरी वाली भी ग्रीन का ही लोगों को मिल गया है। तो पहले तो ये CNG तो मोटर वाहने होते थे, लेकिन पहली बार CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च किया है बजाज ने, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देखेंगे मार्केट में जितनी जो ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं जो चल रहे हैं, ज्यादातर वो बजाज के ही आपको मिलेंगे। आगे देखें तो ये दोनों है, बाइक जो है CNG और पेट्रोल दोनों से चलेगी। 19 में क्या है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 से 2028 तक ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक रूप से किसके साथ साझेदारी की है? तो BPCL के साथ, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। 120 में, हाल ही में कौन सा देश SCO में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है?
तो 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस शामिल हुआ है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी होगा यहाँ, यहाँ पर तो एससीओ की उत्पत्ति 1996 में गठित संघाई फाइव से हुई थी, तो जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे 1991 में। तो इसमें मतलब कई सारे मतलब धार्मिक समूह के जाति तनाव के बारे में चिंताओं को दूर करने प्रयास किया गया, और यहाँ सब ये सब इसमें बातें दी गई हैं। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेन ने शिखर की बैठक की मेजबानी किया है, यानी कजाकिस्तान में हुआ है। यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य रूप में शामिल किया गया है, तो यहाँ बेलारूस था, तो विकल्प नंबर हमारा यही होगा, बेलारूस। तो 21 में हम लोग देखें, 21 में क्या हमको बता पूछने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सूची एक सूची दो को मिला दीजिए, तो मिला दीजिए हमने, एक सूची एक हो गया 2024 में जिनकी नियुक्ति हुई है, और सूची दो में नियुक्त जो हुआ है वो एक तरफ पद का नाम है, दूसरी तरफ वो नाम है उनका पर्सनल नाम। तो चलिए हम मिलाते हैं, तो ये जो हमारा यूके के नए प्रधानमंत्री, तो यूके के अभी नए प्रधानमंत्री थे, पहले तो वो हमारे एक भारतीय मूल के थे तो वो हार गए, तो उनके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो कीर स्टार्मर, तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा, ये कीर स्टार्मर, तो यही है, यानी ए हमारा दो पर आना चाहिए, तो ए दो पर केवल यहाँ है, सी पर है और कहीं नहीं है, तो इस हिसाब से हम जो है डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमारा आंसर यही होगा, सी वाला। तो इस हिसाब से हो गया। और इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हो जाएगा क्रिस्टन सिमल, क्रिस्टन सिमल। और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, और एक बचा है नेपाल के राष्ट्रपति ओली शर्मा, इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं। चले हम आगे बढ़ें, तो 22 में क्या है हमारे पास, 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट के तहत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना वित्तीय परिव्यय रखा गया है, यानी 2024-25 का जो बजट आया उस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना पैसा खर्च करने का ये लक्ष्य एक तरह से रखा गया है, तो 600 करोड़, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे देखें, 600 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर खर्च करने का ये लक्ष्य रखा गया है। आगे देखें, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री के अनुसार भारत में कुल राज्य कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है, तो साथियों इस समय 20-21%, कहीं कहीं आपको 21 मिल जाए, कहीं कहीं 22 मिल जाता है, लेकिन आप मोटा मोटा ये रखिए कि हाँ 21% अभी भारत में जितनी एक तरह की कुल क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत देखें तो 21% पर कितना जो है वो जो है क्षेत्रफल जो है वो पर्यावरण मतलब वनों से घिरा हुआ है, वन आच्छादित है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो ये डाटा हमें मिला जो है ये जो है राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह, 22 जुलाई 2024 को लोकसभा में दिया गया था ये बयान। 24 में क्या है, हाल ही में समाचारों में रही संशोधित ब्याज सहायता योजना, मिस मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, संगठनों द्वारा कार्यान्वित की गई, तो किस संगठन के द्वारा कार्यान्वित की गई, नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा, विकल्प नंबर ए। तो यहाँ नाबार्ड और आरबीआई के बारे में कुछ बातें लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। 25वां में हमसे पूछ रहे हैं कि विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी है, तो स्पेन के हैं दोस्तों, ये स्पेन है, इस साल जो जीते हैं कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के हैं। तो आगे देखें हम लोग क्या है, 126 में, हाल ही में बीएसएफ ने किस देश के सहयोग से ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है, तो बीएसएफ ने, ये बीएसएफ के बारे में यहां, भारतीय सुरक्षा बल, तो भारतीय सुरक्षा बल ने किस बैंक के सहयोग से ग्रो विथ द ट्री वृक्षारोपण अभियान चलाया है, इस अभियान का नाम ग्रो विथ द ट्रीज है रखे हैं, तो वो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से,
आगे देखें, यहाँ लिखा भी है श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, ग्रो विद द ट्रीज। आगे देखें 27 में, तो यहाँ 27 में लोग देखें पारंपरिक रूप से अलग थलग रहने वाली कौन सी जनजाति हाल ही में पेरू में अतिक्रमण तथा भोजन और सुरक्षा की तलाश के कारण पाई या देखी गई। तो ऐसी कौन सी अलग थलग रहने वाली जनजाति है जो हाल ही में कहां पर पेरू में अतिक्रमण तथा भोजन और सुरक्षा की तलाश के कारण पाई गई, तो वो माशिको पेरू जनजाति, विकल्प नंबर ये, नाम में है पेरू है और इसके नाम में भी कुछ पीरो टाइप का लगा हुआ है, जिससे समझ जाइएगा ये, तो विकल्प नंबर बी। आगे देखें हम लोग 28 में, हाल ही में समाचारों में देखा गया डेविस जल संधि किन दो क्षेत्रों के बीच है, तो डेविस जल संधि दोस्तों ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है, तो विकल्प नंबर बी हमारा हो जाएगा, यह ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है, तो ग्रीनलैंड एक सबसे बड़ा जो है द्वीप है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, यहां पर है ग्रीनलैंड। आगे देखें 29 में क्या कह रहे हैं हमसे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जुलाई 2024 में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखें। तो IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया, अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की GDP या सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो अनुमानित में अगर आप लोग आर्थिक सर्वे पढ़े होंगे तो बता लेंगे 7% है, विकल्प नंबर बी। जबकि भारत ने कहा नहीं, हम IMF की बात नहीं मानेंगे, हमारी जो है GDP जो है 7-7.5 के ऊपर रहने वाली है, 7.5 और 8 के बीच रहने वाली है, 8% के बीच, तो फिलहाल देखते हैं IMF की बात सही होती है या अपने यहाँ की। आगे देखें हम लोग 30 में क्या है, 30 में दोस्तों जो हमसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, तो अपने PM मोदी रूस गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उनको वहां का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, वो सम्मान कौन सा है दोस्तों, तो द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यही है विकल्प नंबर ए। तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है जो जो है इस समय उनका संघर्ष चल रहा है उनके पड़ोसी देशों से, तो काफी ज्यादा इनको इस समय तानाशाही का एक टैग मिल चुका है। आगे देखें 31 में क्या है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो वाशिंगटन में हुआ, विकल्प नंबर बी, अमेरिका के वाशिंगटन सैन्य गठबंधन नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यूक्रेन की सदस्यता पर विचार से चर्चा किया गया। आगे देखें 32 में, एंजल टैक्स के बारे में भी बात किया गया, इसे खत्म करने की बात किया गया है दोस्तों, ये 2024 के बजट में भी बात किया गया, एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है, तो शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन के शोधन को रोकने के लिए इसे पहली बार सन 2010 में, और कुछ है क्या आगे, सन 2010 में पेश किया गया था, तो कब पेश किया गया था इसे, कह रहे हैं कि मतलब एंजल टैक्स के बारे में दो कथन है, दोनों कथनों को पढ़कर बताना है कौन सा हमारा आंसर सही है, तो कौन सा सही है, तो शेयर कह रहे हैं कि 2010 में पेश किया गया था, नहीं ये गलत है, और हाल ही में संसद ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया, यस एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, ये दूसरी बात एकदम सही है, तो यहाँ बी वाला हमारा सही हो जाएगा, ए वाला गलत है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग लिखा है ये पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने पर रखा गया है, तो यही बात है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें ये 33 वाले में क्या है, तो 33 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन डार्क ऑक्सीजन शब्द से अच्छा वर्णन करता है, अगर आप लोगों ने डार्क ऑक्सीजन पढ़ा होगा कि डार्क ऑक्सीजन क्या होता है तो आप लोग बता ले जाएंगे यहाँ पर, तो एक तरह से दोस्तों रासायनिक गतिविधि द्वारा उत्पादित जो ऑक्सीजन होता है, यानी एक तरह से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो होता है, हम लोग विभिन्न केमिकल
रिएक्शन के तहत उत्पादित करते हैं वही है। तो विकल्प नंबर यहाँ डी हो जाएगा हमारा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल में विद्युत रासायनिक गतिविधि द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन। इसको आप लोग याद रखेंगे, पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप कह लो। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, तो ये सब के बारे में लिखा गया है कैसे कैसे होता है ये इसका उत्पादन ऑक्सीजन का। 34 में क्या है, 2018 से 23-24 तक SDG इंडिया इंडेक्स के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2024 जारी किया और कहा कि वैश्विक प्रतिकूलों के बावजूद भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। तो सतत विकास लक्ष्य आप लोगों को मैं कई बार बताया हूं, मुख्य रूप से 17 सतत विकास लक्ष्य है, 17 SDGs है मुख्य रूप से, जो हम लोग 2030 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 2015 में यह लक्ष्य आया था UN के द्वारा। तो 35 में हमें क्या पूछ रहा है, तो कथनों पर विचार करिए, विचार करके दो कथन है, कथन एक कथन दो, विचार के बताइए कौन सा सही है। तो कह रहे हैं सेपी यानी महामारी तैयारी नवाचारों के लिए एक तरह का ये गठबंधन है, CEPI सेपी, जो उभरते संक्रामक रोगों के विरुद्ध अनुसंधान की दशा में काम करती है, यह सही है। इसका लक्ष्य जरूरतमंद सभी लोगों को टीके उपलब्ध करवाना है, यस। तो दोनों कथन यहाँ पर हमारा सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कथन एक कथन दो दोनों सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे देखें हम लोग, हमारा ये सही हो गया यहाँ पर, तो 35 हो गया। 36 अगर हम लोग देखें तो इसमें फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, जिन्होंने COVID-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन, यही थी जो mRNA टीका विकसित करने में इनका बड़ा योगदान है, तो इनको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, सी हो जाएगा हमारा। तो आगे हमारा ये है 37 में, 37 में क्या है, IPL 2024 में पिच और ग्राउंड अवार्ड किस स्टेडियम ने जीता है, तो IPL 2024 जो हुआ उसमें पिच और ग्राउंड अवार्ड जो है किस स्टेडियम ने जीता है, तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो राजीव गांधी जो है ये कहाँ है, यहाँ पर लिखा है कि नहीं, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है शायद, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कहाँ है यह, 17वां संस्करण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है, इस मान लीजिए उसके बारे में लिखा गया है। तो और तो आप लोग नेट से एक बार सर्च कर लेंगे ये कहाँ है, करके बताएंगे, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो आगे देखें, तो हाल ही में कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एपेर्नबेक को दिया गया है, जेनी एपेर्नबेक, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, जेनी एपेर्नबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा विद्युत अनुवादित कैरोस को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 39 में बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, 23 के मामले में दिया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 मामले में भारत की रैंक कितनी थी, तो 111वें स्थान पर थी। स्मृति ईरानी से इस पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि ये भाई फर्जी है, विदेश लोग बनाते हैं तो फर्जी बना दिए होंगे, हमारे भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं है जो है। तो लेकिन इस साल जो आया है 2024 वाला, ये तो 2023 का है, 2024 वाला में भारत को 105वें स्थान पर बताया गया है, 105वें स्थान पर। आगे देखें यहाँ पर 140 में, तो म्यांमार की संसद को क्या कहा जाता है, तो असेंबली ऑफ यूनियन कहा जाता है, तो विभिन्न देशों के, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोल दिया जाता है संसद, तो इसी तरह से जर्मनी बुडेस्टाग जर्मनी की संसद है, नेशनल डाइट ये जापान की संसद है, पीपुल्स मजलिस मालदीव की संसद है, असेंबली ऑफ यूनियन ये म्यांमार की संसद है, तो इन सबको आप एक बार याद रखेंगे। आगे देखें, भारत में पहली बार जनगणना
का काम कब किया गया, तो जनगणना का कार्य आप लोग पहली बार जानते ही होंगे कब किया गया था, 72 में, और 81 से तो लगातार हो रहा है, तो लगातार पूछे थे 81, और ये डी वाला हो जाएगा, 72 से स्टार्ट हुआ था। अगर हम आए 41 वाले पर, यहाँ पर जनगणना से ये हमारा यहाँ पर दिया गया है, 2011 की जनगणना का नारा क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे अगर हम लोग 42 वाले में देखें तो कौन सा द्वितीयक व्यवसाय नहीं है, तो द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इसे हम लोग प्राथमिक व्यवसाय बोलते हैं। द्वितीयक क्या होता है कि कच्चे माल का जहां मॉडिफाइड होकर उत्पाद बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल हो जाता है, तो द्वितीयक व्यवसाय नहीं है। तो सीमेंट उत्पादन भी द्वितीयक है, तो कौन सा नहीं है उसे बताना है। कपास से धागा बनाना ये भी द्वितीयक है। खनन जो होता है दोस्तों ये नहीं है, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, और ये सब कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक में आते हैं। तो डी वाला जो है ये खनन नहीं है, बाकी सब जो है द्वितीयक है। आगे देखें 43 में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, आदर्श ग्राम योजना जो आई थी कह रहे हैं 2024-14 में, यस, जो गोद लेने के लिए सांसदों को, कोई पिछड़ा क्षेत्र को, हृदय योजना 2015 में, यस, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में, यस सही है, और सतत योजना 2017, तो ये गलत है, विकल्प नंबर यही हमारा उत्तर होना चाहिए, और इसलिए आपको क्लियर हो करने के लिए कह दूं यहाँ यही सही है, बाकी मतलब है, ये गलत है, हमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही है, ये अपनी अपनी जगह पे याद कर लेना। अब क्यों गलत है ये देख लें कि अक्टूबर 2014 सांसद आदर्श ग्राम 2014 में तो सही हुआ, लेकिन सतत विकास जो वाला ये वाला था, तो यहाँ पर यही गड़बड़ी था, तो यहाँ पर दिया होगा ये कब आया था सतत, तो 2018 में शुरू हुआ था सतत योजना, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सहित कई तेल संबंधी सार्वजनिक इकाइयों के बीच यह एक सहयोगात्मक प्रयास है, तो ये उद्देश्य संपीड़ित गैस कंप्रेस गैस उत्पादन सुविधाएं स्थापित करना था, पर्यावरण अनुकूल ईंधन और ऑटोमोटिव उपयोग के लिए उपलब्ध कराना, यही था इसका सतत योजना का। आगे देखें हम 44 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पहचानिए 2024-25 के बजट में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है उसे पहचानिए। तो कह रहे हैं यहाँ आपके आंखों के सामने दिख रहा है अनुमानित राजकोषीय घाटा कह रहे हैं 5.9 है, तो ये बातें साथियों यहाँ पर ये गलत हो गई, तो अनुमानित यहाँ पर ये जो बजट घाटा है तो यही यहाँ पर गलत है, तो डी वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आप लोग देखेंगे कि अनुमानित बजट घाटा को यहाँ पर जिसे अनुच्छेद यहाँ संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के 112 के अनुसार दिया गया है, केंद्रीय बजट सरकार एक तरह का केंद्रीय बजट जो होता है आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो उसी संबंधी तो यहाँ पर बजट संबंधी दे दिया गया है सब बातें, और बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है ये इतना दिखा दिया है, इतना तो नहीं है, तो बाकी ये सब अपनी अपनी जगह पे सही है, गलत पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही यही नहीं है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर मुख्य बातें जो लिखा गया है, राजकोषीय घाटा यहाँ देख रहे हैं 4.9% है, राजकोषीय घाटा 4.9% और राजस्व घाटा 1.8% और प्राथमिक घाटा 1.4% है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो 45 में इन सीटू संरक्षण, इन सीटू होता है एक एक्स सीटू होता है, इन सीटू का मतलब उसके अंदर ही उसके जगह पर ही, एक्स सीटू मतलब उस जीव के मतलब आवास क्षेत्र के बाहर आप उसे संरक्षण कर रहे हैं, तो इन सीटू यानी स्व स्थान यानी उसी स्थान पर संरक्षण तब होता है जब पौधों या जीवों को वही संरक्षित किया जाता है जहां वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यस मैंने यही अभी आपको बात बताया, सही है। सीड बैंक एक प्रकार का इन सीटू है, नहीं दोस्तों सीड बैंक बीज बैंक की बात कर रहे हैं, तो बीज बैंक हम लोग कहीं भी दूसरी जगह पर उसको मतलब आवास क्षेत्र से बाहर हम लोग संरक्षित करते हैं ना, तो ये थोड़ी ना हुआ, तो यहाँ पर उत्तर केवल हमारा एक सही है, कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। तो 46 में हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, तो 46 में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ जीव दिए गए हैं, कह रहे हैं कि कौन सा महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? कोपराड तो नहीं है। अब यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया है, डायटम है, यस, यही दो ही हैं। तो विकल्प नंबर बी, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। संख्या में तो बहुत अधिक होते हैं लेकिन इनका बायोमास बहुत कम होता है, इसलिए जो है इनका अगर हम लोग पिरामिड बनाते हैं तो उल्टा बनता है, मास के कंसेप्ट परिप्रेक्ष्य में। अगर आपको जैव भार के परिपेक्ष में कहें कि समुद्र या तालाब का जैव भार के सेंस में आप पिरामिड बनाइए तो उल्टा बने, क्योंकि संख्या ज्यादा होता है लेकिन इनका ये मास कम होता है। और यही स्थल का अगर बात करेगा तो उल्टा हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, स्थल में ये हो जाएगा। तो 46 का हो गया। 47 हम लोग देखते हैं, अधिनियमों में उनके कार्यान्वयन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ अधिनियम है वो कब कार्यान्वयन हुए थे वो क्रम में बताना है कि इसके कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस तरह से। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। तो 147 में क्या हमें दिया है? तो वायु अधिनियम, जल अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। तो इसमें दोस्तों हमें दिख रहा है कि वायु प्रदूषण यानी वायु के प्रदूषण को रोकथाम के लिए जो अधिनियम आया था 1981 में आया था। तो 1981 में आया था और इस अधिनियम को लागू करने के लिए जो बात बोला गया था, तो ये हो गया जल अधिनियम। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, 1981 में वायु प्रदूषण आया था 1981 में, और जल प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिनियम 1974 बनाया गया था। तो 1974 ये आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो आप लोग जानते हैं, पर्यावरण अधिनियम, तो ये हो गया। और वन अधिनियम, वन अधिनियम 1980 में आया था, ये हो गया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमें लगता है ये 86 में आया था, 1986 में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा बन रहा है? सी में ये हो जाएगा, दो सबसे पहले हुआ था, देख रहे हैं, क्योंकि यही 74 में है, बाकी सब उसके बाद के हैं। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद चार वाला हो जाएगा 80, क्योंकि ये है, और इसके बाद 81 आता है, फिर 86 आता है, तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये तीन वाला सबसे अंत में होगा, क्योंकि ये 86 है। आगे देखें 48 में, तो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में मानवीय गतिविधियों के कारण कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में मानवीय गतिविधियों के कारण कौन सा गैस उत्पन्न होती है, ये बताइए आप। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी मानवीय गतिविधियों कारण होती है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सभी हैं, यहाँ कोई ऐसी नहीं है। तो विकल्प नंबर यहाँ डी हो जाएगा। 49 में क्या है? ओजोन के संदर्भ में, थोड़ा सा हम बड़ा करें इसको, ओजोन के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, तीन कथन है, और बताइए कौन सा सही है हमारा। तो ओजोन समताप मंडल में एक हानिकारक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है, तो यस सही है, समताप मंडल में एक तरह का ये ओजोन समताप मंडल में हानिकारक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। यह समताप मंडल में बहुत पतली और पारदर्शी परत पाया जाता है। और नहीं दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओजोन जब क्षोभ मंडल में आती है तब वो नुकसानदायक होती है, समताप मंडल में रहती हो तो हमारी पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। तो ये सही हो गया, गलत नहीं होगा। तो हमें कह रहे हैं कौन सा सही है हमें बताना है, तो ये गलत हो गया हमारा, हानिकारक नहीं होती है, लाभदायक होती है, ये गलत हो गया। समताप मंडल बहुत पतली परत, पारदर्शी परत के रूप में पाया जाता है, तो ये बात हमारी सही है। और फुजिला स्केल का उपयोग ओजोन की परत मापने के लिए किया जाता है, नहीं दोस्तों, ओजोन परत के मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है फुजिला नहीं, उसका नाम दूसरा होता है, यहाँ दिया होगा, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं, ये गलत है, तो हमारा दूसरा आंसर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है, यही कहीं होगा, हो सकता है दिया होगा, डाप्सन, या ओजोन को डाप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है।
डॉप्सन यूनिट में। आगे देखें हम लोग 50 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई ईस्ट नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का हमारा, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा आप हमें जरूर बताएंगे, तो इसकी अगली कड़ी हम लेकर आएंगे। तो 50वां का, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो साथियों कैसा लगा आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।